प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के विकास के प्रति दिखाई हुई दिशा एक प्रेरणा का स्रोत है। तमाम राज्यों ने इससे प्रेरित होकर शहरी विकास की राह अपनाई है, परंतु बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश इस सूची में काफी पिछड़ा रहा था। लेकिन वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य की जिम्मेदारी संभालते ही माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के 2014 के मिशन और विजन से प्रेरणा ली एवं उत्तर प्रदेश की तमाम चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखा। अच्छाई और अपने काम के प्रति सच्चाई को नींव बनाकर उन्होंने राज्य का संपूर्ण कायाकल्प किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक देश को एक नई दृष्टि दी उस दृष्टि के साथ जुड़ने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री जी ने एक कर्मयोगी के रूप में इस अवसर को गति दी, जिसका असर आज उत्तर प्रदेश की तरक्की के रूप में देखा जा सकता है। यूपी में चल रहे ये हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में भारत की प्रगति का बड़ा आधार बनेंगे। जहां एक तरफ शहरों की संख्या बढ़ती चली गई, वहीं दूसरी तरफ हर शहर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ODF होता चला गया। जन कल्याण की बात की जाए तो जहां 2017 में सिर्फ 18,000 आवास सैंक्शन थे, वहीं आज 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में 17 लाख से ज्यादा मकान सैंक्शन हो चुके हैं, जिनमें से 9 लाख का कार्य खत्म कर जनता को सौंप दिए गए हैं। GHTC इंडिया के तहत लखनऊ में विश्व की श्रेष्ठ निराम तकनीकों के माध्यम से बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का कार्य भी काफी तेजी से किया जा रहा है। PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत अब तक 7 लाख से ज्यादा रेढ़ी पटरी विक्रेता को लाभ मिल चुका है, ये किसी भी प्रदेश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। साथ ही में DAY NULM स्कीम द्वारा महिला वर्ग का सशक्तिकरण करते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी सक्रिय करवाए गए। उत्तर प्रदेश के 61 शहरों में 12,000 करोड़ रुपए जन विकास की जरूरतों के लिए निवेश किए गए हैं, जिनसे वाटर टैप कनेक्शंस, सीवेज कनेक्शंस, ग्रीन स्पेसेस आदि का निर्माण किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। यही नहीं, इनमें से 8 शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सक्रिय है और बाकी 2 शहरों में जल्दी शुरू किए जाएंगे। पर्यावरण की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए 10 लाख LED लाइट्स की स्थापना की गई है, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन फुटप्रिंट को घटाया जा सकेगा। जहां 2017 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में मात्र 15 किलोमीटर में मेट्रो चलती थी, वहीं आज गाजियाबाद के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ में 88 किलोमीटर की मेट्रो लाइन चल रही है। साथ ही देश की पहली RRTS दिल्ली मेरठ पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत 2022 में 17 किलोमीटर की लाइन का उद्घाटन कर दिया जाएगा। क्लीन गंगा मिशन के तहत वन सिटी वन ऑपरेटर के इनोवेशन से STPs को और भी प्रभावी और कार्यकुशल बनाया जा रहा है। मथुरा और वाराणसी जैसी पवित्र भूमि पे आ रहे लाखों पर्यटकों, तीर्थयात्रियों एवं स्थानीय निवासियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में अपनी विराट संस्कृति और परंपरा को संजोकर प्राचीन और नवीनता के संतुलन को बनाए रखते हुए उत्तर प्रदेश आधुनिकता और विकास की ओर अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। इन्हीं तमाम परिश्रमों का फल है कि उत्तर प्रदेश आज हर क्षेत्र में नए सुनहरे अवसरों को जन्म दे रहा है और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उजागर हो रहा है।